जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट वीडियो तक हम लोग मार्फोलॉजी लीफ की हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कैरेक्टराइटिस फीचर की बात की थी कि क्या क्या कैरेक्टराइटिस फीचर लीफ के होते हैं। अब देखिए, लीफ ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। अगर यहाँ पर हम लीफ पार्ट्स की बात करें, सो लीफ इज डिवाइड इनटू द फोर पार्ट्स, मींस जो लीफ होता है, लीफ होती है, वो लीफ चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है लीफ बेस। सबसे पहला पार्ट क्या हो जाता है? लीफ बेस। दिस लीफ बेस इज आल्सो नोन एज हाइपोपोडियम। इस लीफ बेस को हाइपोपोडियम भी बोला जाता है। अब हाइपोपोडियम किसको कहा जाता है? द पार्ट ऑफ द लीफ विच अटैच विद द ब्रांच, मींस ये कौन सा पार्ट होता है विच अटैच विद द ब्रांच, मतलब जो ब्रांच होती है या स्टीम होता है, उस स्टीम से जुड़े हुआ जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज लीफ बेस। इसी पार्ट को क्या कहा जाता है? लीफ बेस कहा जाता है। अब अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के लीफ बेस होते हैं, लीफ बेस के टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है स्टिपल्स, मींस द लेटरल आउटग्रोथ नियर द लीफ बेस। यहां पर जो लेटरल आउटग्रोथ रहती है लीफ बेस के दोनों साइड, दैट इज नोन एज स्टिपल्स। उसको क्या कहा जाता है? स्टिपल्स कहा जाता है। अब जिन प्लांट्स के अंदर स्टिपल्स पाए जाएंगे, दैट आर नोन एज स्टिपुलेटेड प्लांट, उन प्लांट को स्टिपुलेटेड प्लांट कहेंगे। और कुछ प्लांट या लीफ ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्टिपल्स नहीं होता है। इफ स्टिपल्स बिकम अब्सेंट इनटू द लीफ, मतलब अगर स्टिपल्स लीफ के साथ नहीं है, सो इट इज नोन एज नॉन स्टिपुलेटेड लीफ। तो इसको नॉन स्टिपुलेटेड लीफ कहा जाता है। मतलब कुछ लीफ के साथ स्टिपल्स होता है, सभी लीफ के अंदर नहीं होता है, कुछ के अंदर होता है, कुछ के अंदर नहीं होता है। ये नॉन स्टिपुलेटेड या इसको एग्स स्टिपुलेटेड भी कहा जा सकता है। आर की साल सुनो एग्स स्टिपुलेटेड लीफ, मींस नॉन स्टिपुलेटेड या एग्स स्टिपुलेटेड लीफ, बात एक ही हो जाती है। अगर यहां पर हम थर्ड पार्ट की बात करें, पेटियोल, दिस पेटियोल इज द पार्ट ऑफ द लीफ विच कनेक्ट बोथ द रिमाइन पार्ट ऑफ द लीफ एंड विथ द बेस, मींस जो बेस है उस बेस को लीफ के आगे वाले हिस्से से जोड़ने वाला ये जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज पेटियोल। इट इज आल्सो नोन एज मेसोपोडियम, जिसे मेसोपोडियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मेसोपोडियम होता है या पेटियोल होता है, जिन लीफ के अंदर ये प्रेजेंट होता है, उन लीफ को पेटियोल पेटियोलेटेड लीफ कहा जाता है, विच आर नोन एज पेटियोलेटेड लीफ, उनको पेटियोलेटेड लीफ कहेंगे। और जिन लीफ के अंदर ये अब्सेंट रहता है पेटियोल, दैट इज नोन एज सिसिल लीव्स। ऐसी लीव्स को क्या कहेंगे हम? सिसिल लीव्स कहते हैं। मतलब जैसे अगर लीव्स के साथ पेटियोल है तो उसको पेटियोलेटेड, और अगर उसके अंदर पेटियोल नहीं है, सो सच लीव्स आर नोन एज सिसिल लीव्स। ऐसी लीव्स को सिसिल लीव कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बार बार अगर सिसिल वर्ड आता है तो वो इसी का मतलब होता है। अब ये सिसिल जो होता है, इसका शेप अलग अलग हो सकता है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, होलो भी हो सकता है, ट्यूबलर भी हो सकता है, फ्लेटलेट भी हो सकता है। मतलब अगर पेटियोल की बात करें तो ये जो पेटियोल होता है ये ट्यूबलर भी हो सकता है, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर भी हो सकती है इसकी, सिलेंड्रिकल भी ये हो सकता है, या फिर अगला हम बात करें तो ये फ्लेटलेट भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है ना, इट मे बी फ्लेटनेट, ये फ्लेटनेट भी हो सकता है, या इसका शेप मतलब ये होलो भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है अंदर से। तो इस तरह से यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग तरह के पेटियोल होते हैं, उनके शेप और उनके साइज के हिसाब से। और जो लास्ट पार्ट होता है लीफ का, विच इज नोन एज लेमिना, ये जो पार्ट होता है इसी पार्ट को कहा जाता है लेमिना। लेमिना इज आल्सो नोन एज एपिपोडियम और इट इज आल्सो नोन एज लीफ ब्लेड, इसे एपिपोडियम या लीफ ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। दिस लेमिना इज बिकम ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ये ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, और यहां पर जो लेमिना होता है ये ग्रीन होने के कारण फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इसी के साथ साथ इसमें दो सर्फेस होते हैं, अपर सर्फेस को डोर्सल सर्फेस और लोअर सर्फेस को वेंट्रल सर्फेस कहते हैं। ये फ्लैटनेट पार्ट होता है ना, मतलब ये फ्लैटनेट हो सकता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल ये होता है, या सेंट्रल सेंट्रिक या सिलेंड्रिकल ये शेप का। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीफ विच इज नोन एज लीफ बेस इज आल्सो नोन एज हाइपोपोडियम, लीफ बेस जो कि लीफ का पहला पार्ट होता है जिसको हाइपोपोडियम भी हम कह सकते हैं। इट अटैच पेट्योल विद द स्टीम, मींस ये जो लीफ बेस होता है ये पेट्योल को स्टीम से जोड़ने का काम करता है। एंड दिस आर फोर टाइप्स, और लीफ बेस चार तरह के होते हैं। इन विच फर्स्ट इज नोन एज पुलविनस, पहले टाइप का जो लीफ बेस होता है उसको पुलविनस बोलते हैं। इन दिस द लीफ बेस बिकम्स लोबेन, मींस जो लीफ बेस होता है ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, दैट इज नोन एज लीफ बेस एंड बिकम्स लोबेन। और ये कैसा हो जाता है? मांसल हो जाता है, फूल जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें, सो मैंगो बीन्स बेनिया ट्रीज एंड ग्राम एक्सेट्रा प्लांट्स हैविंग द
पोलमिनस टाइप ऑफ द लीफ बेस, इनके अंदर पोलमिनस टाइप का लीफ बेस वही होता है। वही दूसरा अगर देखें तो दूसरा जो लीफ बेस का टाइप है वो है सीथिंग। अब इसमें जो लीफ बेस होता है, दिस लीफ बेस बिकम ब्रॉड एंड फ्लैटनेड, मींस ये कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और चपटा हो जाता है। एंड इज कवर्ड द नोड पार्ट ऑफ द स्टीम, और नोड पार्ट को ये कवर्ड कर लेता है स्टीम के, जैसे ये स्टीम पार्ट है और इस स्टीम में यहां पर नोड था, तो इस नोड को पूरी तरह से ये पार्ट क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। एंड बिकम ब्रॉड एंड फ्लैटनेड, और ये पेटियोल वाला पार्ट हो जाएगा जिसपे आगे लीफ लगी रहती है। एग्जाम्पल देखें तो जी माइस, सुगर केन एंड बनाना हैविंग द सच टाइप ऑफ द लीफ बेस, मींस जो जी माइस, सुगर केन और बनाना प्लांट होते हैं उनके अंदर इस तरह का लीफ बेस होता है। ये जो लीफ बेस होता है दिस में आल्सो जॉइंट विद द लीफ, ये लीफ के साथ पत्ती के साथ भी जुड़ा हो सकता है, मतलब पेटियोल बहुत शॉर्ट नेक हो जाएगा और लीफ बेस लीफ तक पहुंचा हो जाएगा। तो ऐसे लीफ को फॉल्स स्टीम कहा जाता है, जिसके अंदर जो लीफ बेस होता है वो लीफ के साथ फ्यूज हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, उसे फॉल्स लीफ बेस कहेंगे। थर्ड टाइप ऑफ द लीफ बेस विच इज नोन एज डी करंट आर कोनेट लीफ बेस, तीसरे तरह का जो लीफ बेस होता है उसको डी करंट या कोनेट लीफ बेस बोलते हैं। अब ये डी करंट या कोनेट लीफ बेस में होता क्या है कि जो पेट्योल होता है, दिस पेट्योल एंड लीफ बेस बोथ आर ब्रॉड, दोनों ही कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, इसके साथ फ्लेट हो जाते हैं और विंग्ड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये लीफ बेस वाला पार्ट है और ये लीफ बेस है और यहीं से पेट्योल स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये लीफ बेस हो जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा पेटियोल। अब ये लीफ बेस और पेटियोल दोनों ही कैसे हो जाएंगे, बोथ आर ब्रॉड, दोनों ही चौड़े हो जाएंगे और साथ ही साथ ये दोनों ही फ्लेट हो जाएंगे, विंग्ड हो जाएंगे, मतलब इसके ऊपर विंग जैसी स्ट्रक्चर, हेरी स्ट्रक्चर इसके ऊपर होंगी। ठीक है, इस तरह से विंग स्ट्रक्चर, हेरी स्ट्रक्चर इसके ऊपर होंगी। इट इनसीथ द अपर पार्ट ऑफ द नोड, मतलब जैसे स्टीम है तो ये स्टीम के अपर पार्ट जो होता है नोड का, उस स्टीम के अपर पार्ट को ये क्या कर लेता है, कवर्ड कर लेता है, मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीट कवरिंग नहीं करता, इनकम्प्लीट कवरिंग यहाँ पर होती है। अगर एग्जांपल देखें तो जो क्रोटोलेरिया होते हैं, क्रोटोलेरिया के प्लांट्स के अंदर डी करंट या कोनेट टाइप का लीफ बेस पाया जाता है। चौथा टाइप और लास्ट टाइप लीफ बेस का, जिसको एम्प्लेक्सिकल लीफ बेस कहा जाता है। इस एम्प्लेक्सिकल लीफ बेस में क्या होता है, जो लीफ बेस होता है ये कैलॉप्स हो जाता है, क्लेप्स हो जाता है, क्लेप्स होने का मतलब ये हुआ ये स्टीम है और इस स्टीम के चारों तरफ से इसको कवर कर लेता है। लीफ बेस जो रहता है स्टीम के चारों तरफ इसको कवर कर लेता है, मतलब इसके चारों तरफ ये लीफ बेस इसके आ जाएगा। ये इस तरह से यहां से लीफ हो गई ये वाली, और ये जो लीफ है इस स्टीम को चारों तरफ से कवर कर लेगी। इस तरह का जो लीफ बेस होता है, इस लीफ बेस को क्या कहा जाता है, इस तरह के लीफ बेस को क्या कहा जाता है, एम्फीप्लेक्सिकॉल कहा जाता है, एम्फ्लेक्सिकॉल कहा जाता है। मींस जो स्टीम होता है ये पूरी तरह से सराउंड रहता है किसके, लीफ से। अगर पॉलीगोनम की बात करें तो पॉलीगोनम प्लांट जो होता है उसके अंदर एम्फ्लेक्सिकॉल टाइप का लीफ बेस होता है जो स्टीम को पूरी तरह से घेर लेता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द लीफ विच इज नोन एज स्टिपल्स, मतलब दूसरा जो पार्ट होता है लीफ का वो स्टिपल्स कहलाता है। अब ये स्टिपल क्या होता है, इन सम ऑफ द प्लांट्स द लेटरल आउटग्रोथ विच इज सिचुएट एट बोथ ऑफ द साइड ऑफ द लीफ बेस, मतलब जैसे ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट कहलाता है लीफ बेस, ये इतना पार्ट हो गया लीफ बेस। अब ये जो लीफ बेस है, इस लीफ बेस के साइड में यहाँ पर ये लेटरल ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, दिस लेटरल ग्रोथ इज नोन एज स्टिपल्स, इस लेटरल ग्रोथ को क्या कहेंगे हम, स्टिपल्स कहेंगे। तो ये सभी लीव्स के अंदर नहीं होता, कुछ लीव्स के अंदर ही ये होता है। अब जिन लीव्स के अंदर स्टिपल्स होता है विच आर नोन एज स्टिपलेट लीफ, उनको स्टिपलेट लीफ कहेंगे, और जिन लीव्स के अंदर स्टिपल्स नहीं होता उनको एग्ज स्टिपलेट लीफ कहा जाता है। अब यहाँ पर जो स्टिपलेट होता है इट इज यूजली बिकम ग्रीन कलर, ये ज्यादातर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड मटेरियल, और ये फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल प्रोड्यूस कर सकता है। दिस स्टिपल्स आल्सो प्रोटेक्ट द लीफ एट द बर्ड स्टेज, मतलब जब लीफ छोटी होती, बर्ड स्टेज में होती, जब खुलती नहीं उससे पहले, बर्ड स्टेज में ये स्टिपल्स लीफ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर हम स्टिपल्स की बात करें सो दीज आर थ्री टाइप्स, ये तीन तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टिपल्स इज नोन एज कैड्यूसियस, पहला स्टिपल्स कैड्यूसियस कहलाता है। अब ये जो स्टिपल्स होता है, ये कैड्यूसियस स्टिपल्स क्या होता है, दिस फॉल डाउन बिफोर द अनफोल्डिंग ऑफ द लेमिना, मतलब जो लेमिना रहता है, लेमिना वो फोल्ड होने, मतलब अनफोल्डिंग होने से पहले ही इस तरह के जो स्टिपल्स होते हैं ये गिर जाते हैं, बिफोर द अनफोल्डिंग ऑफ द लेमिना। व्हाइल डिसाइडियस, दिस डिसाइडियस स्टिपल्स व्हिच फॉल डाउन्स आफ्टर द आफ्टर जस्ट आफ्टर द अनफोल्डिंग ऑफ द लेमिना, मतलब जैसे ही अनफोल्डिंग होती लेमिना की, वैसे ही ये डिसाइडियस टाइप के स्टिपल्स गिर जाते हैं, पौधे से अलग हो जाते हैं। अब तीसरे तरह का परसिस्टेंस होता है, परसिस्टेंट जो स्टिपल्स रहता है, इट रिमेन अटैच्ड एट द होल लाइफ ऑफ द प्लांट लीफ, मींस प्लांट लीफ की पूरी लाइफ तक ये उसके साथ जुड़ा रहता है, उसको परसिस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ द पेटियोल्स, दिस
आर द बेस्ट ऑन द शेप साइज एंड द पोजिशन ऑफ द पेट्यूल्स, मीन्स ये किस आधार पर होते हैं इन पेट्यूल्स के शेप साइज और इनकी पोजिशन के आधार पर टाइप्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है फर्स्ट टाइप जिसे कहा जाता है फ्री लेटरल पेट्यूल्स। अब फ्री लेटरल पेट्यूल्स में क्या होता है, दिस पेट्यूल्स बिकम थीन, ये थीन रहता है, सॉफ्ट रहता है, फिलामेंटियस होता है, ग्रीन होता है, स्मॉल कलर का होता है। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन है इसलिए फोटोसिंथेसिस तो कर सकेगा, फूड मैन्युफैक्चर ये कर सकता है। इट अटैच एट द बोथ लेटरल साइड ऑफ द लीफ बेस, मतलब जो लीफ बेस होता है उसके दोनों साइड में ये लेटरल साइड में अटैच रहता है। अगर एग्जांपल देखें सो चाइना रोज हैविंग सच टाइप ऑफ द लीफ बेस, सॉरी स्टीपल्स, मींस चाइना रोज में इसी तरह का स्टीपल्स पाया जाता है। दूसरा यहाँ पर जो स्टिपल होता है उसको कहेंगे हम एनेट, क्या कहेंगे एनेट। अब अगर एनेट की बात करें दीज आर बिकम विंग शेप्ड, मतलब ये विंग के जैसे होते हैं, पंखों के शेप के ये होते हैं। एंड दीज आर अटैच्ड, और ये अटैच रहते हैं पेट्योल्स के साथ कुछ डिस्टेंस तक। अगर हम देखें यहाँ पर ये पेट्योल हो गया है ना, ये लीफ बेस हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है ये यहाँ पर कुछ डिस्टेंस तक अटैच रहते हैं किसके साथ में, लीफ बेस के साथ, ये इस तरह से अटैच कुछ डिस्टेंस तक रहते हैं। ठीक है, अब अटैच होने के साथ साथ इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है दैट इज द इंटीरियर पार्ट, दिस इंटीरियर पार्ट रिमाइन फ्री, ये किससे अलग रहेगा, पेट्योल से सेपरेट रहेगा। इस तरह का जो स्टिपल्स रहते हैं उनको एनेट कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो रोज प्लांट के अंदर इस तरह के स्टिपल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फोलिसियस टाइप का स्टिपल जो होता है इसमें दो स्टिपल्स रहेंगे और दोनों ही बड़े रहेंगे, ग्रीन कलर के होंगे और लीफ लाइक हो जाएंगे। मतलब ये जो स्टिपल्स होंगे ये पेट्योल्स के पास में यहाँ पर ये पेट्योल्स हैं और यहाँ पर दो रहेंगे, बड़े होंगे और जैसे लीफ की स्ट्रक्चर होती है उस तरह की स्ट्रक्चर पेट्योल्स की हो जाएंगी, फाउंड आइदर साइड ऑफ दी लीफ बेस, जो लीफ बेस के दोनों तरफ होते हैं। अब ये बड़े हैं, लार्ज है, ग्रीन है, इस वजह से फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पी प्लांट के अंदर पॉलीसीएस टाइप का स्टिपल्स पाया जाता है। इंटरपेट्यूलर जो स्टिपल्स होता है उसकी बात करेंगे तो ये भी दो स्टिपल्स होते हैं एंड आर फाउंड बिटवीन द पेट्यूल्स ऑफ अपोजिट रोल और अपोजिट लीव्स, मींस अपोजिट रोल जो होता है लीव्स का उसके बीच में ये पाए जाते हैं इंटरपेट्यूलर। अब यहाँ पर ये पेट्यूल्स का अल्टरनेट भी होता है इंटरपेट्यूलर, इसीलिए इसको इंटरपेट्यूलर नाम दिया गया है। कदम जो होता है इस कदम के पौधे में इसी तरह का स्टिपल्स पाया जाता है। Fifth type of the stipules on the based of their shape, size and position which is known as intrapetular। अब देखो इंटरपेट्यूलर का पेट्यूलर कहाँ था, इंटरपेट्यूलर था बेस और पेट्यूल्स के बीच में, लेकिन जो इंट्रापेट्यूलर होता है इट इज सिचुएट एक्सिलरी इन पोजिशन, ये एक्सिलरी पोजिशन में होता है एंड इज सिचुएट बिटवीन द स्टीम एंड पेट्यूल, मीन्स स्टीम और पेट्यूल के बीच में ये पाया जाता है, इसलिए इसको इंट्रापेट्यूलर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें तो जो जास्मिन प्लांट होता है उसके अंदर इसी तरह का पेट्यूल स्टिपल्स पाया जाता है। अगला यहाँ पर होता है विच इज नोन एज ओक्रेट, ओक्रेट टाइप का जो स्टिपल्स रहता है इट इज इट मेक ए होलो ट्यूब, मींस ये क्या करेगा स्टीम है और इस स्टीम के आसपास होलो ट्यूब बना लेगा एंड इन सर्कल द स्टीम फ्रॉम नोड टू द सर्टन हाइट ऑफ द इंटर नोड, ये नोड पार्ट है तो यहां से ये इस स्टीम को इन सर्कल कर लेगा, घेर लेगा कुछ हाइट तक इसके इंटर नोड के। अब यहाँ पर पॉलीगोनम जो रहता है उसके अंदर और ओक्रेट टाइप का स्टिपल्स पाया जाता है। इसके बाद टेंड्रिलर स्टिपल्स की बात करेंगे हम, टेंड्रिलर में क्या होता है स्टिपल्स बिकम मॉडिफाइड टू फॉर्म लॉन्ग कॉइल्ड टेंड्रिल्स विच बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प इन द क्लिंपिंग ऑफ द प्लांट, मीन्स क्या होता है टेंड्रिलर में जो स्टिपल्स होता है ये मॉडिफाइड हो जाएगा, ये स्टीम है, यहाँ पर लीफ बेस निकला, लीफ बेस है और लीफ बेस से क्या निकला है यहाँ से लीफ निकली है, तो यहाँ पर ये दो लॉन्ग थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर कॉइलिंग हो जाएगी और ये क्या करती है टेंड्रिल्स बना लेती है जिसको टेंड्रिलर स्टिपल कहा जाता है। स्मिलेक्स के अंदर इस तरह के टेंड्रिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें टेंड्रिलर स्टिपल्स कहा जाता है। कुछ स्पाइनी स्टिपल्स भी होते हैं जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, दिस मॉडिफाइड टू फॉर्म शार्प एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर लाइक थॉर्न, जो शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जैसे थॉर्न होता है एंड एक तरह से डिफेंसिव फंक्शन, और ये डिफेंसिव फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। मिमोसा प्यूटिका के अंदर इस तरह के स्टिपल्स पाए जाते हैं स्पाइनी स्टिपल्स या एकेसिया, एकेसिया इज आल्सो नोन एज बबूल इन जनरल लैंग्वेज में एकेसिया को बबूल कहा जाता है, तो उसके अंदर स्पाइनी स्टिपल्स पाए जाते हैं। स्कली स्टिपल्स भी कुछ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ये स्कली स्टिपल्स छोटे छोटे ग्रीन पार्ट होते हैं जो कि ड्राई रहेंगे, ग्रीन रहेंगे लेकिन ड्राई रहेंगे है ना, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये ग्रीन पार्ट है। दिस आर फाउंड इनटू द बेनियन एंड पीपल ट्रीज, ये बेनियन और पीपल ट्रीज के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ द लीफ विच इज नोन एज पेट्योल, तीसरा जो हिस्सा होता है लीफ का उसे पेट्योल कहेंगे। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको पेट्योल बोला जाता है, यहां से
यहाँ तक का। अब ये जो पेटियोल होता है कहाँ सिचुएट होता है, इट इज सिचुएट बिटवीन द लीफ बेस, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला लीफ बेस, और ये वाला पार्ट हो गया लेमिना। तो लीफ बेस और लेमिना के बीच में ये सिचुएट होता है। सो वी कैन से दैट द पेटियोल्स व्हिच कनेक्ट द लीफ बेस विद द लेमिना, मींस पेटियोल जो होता है वो लीफ बेस को लेमिना से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर जो लीव्स होती है, दिस लीव्स व्हिच कंटेनिंग पेटियोल्स आर मोस्ट पेटियोलेटेड, ऐसी पत्तियां जो लीफ पेटियोल कंटेन करती है जिनके अंदर पेटियोल होता है वो पेटियोलेटेड कहलाती है। और कुछ लीव्स ऐसी होती है जिसमें पेटियोल नहीं होता है, लीफ बेस से डायरेक्ट लेमिना जुड़ा रहता है, ऐसी लीव्स को सिसिल लीव्स कहा जाता है। मतलब स्टाल जो होता है ना पेटियोल, वो डंडल उसमें नहीं मिलेगा। ये जो पेटियोल होता है, दिस में भी सिलेंड्रिकल इन शेप, ये सिलेंड्रिकल हो सकता है, होलो हो सकता है अंदर से खोखला, ट्यूबर, ये ट्यूबर शेप का हो सकता है, ट्यूबलर शेप, सॉरी यहाँ पर ट्यूबलर लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, ये ट्यूबलर शेप का हो सकता है, या ये फ्लैट है कि मतलब चपटा भी हो सकता है। कौन पेटियोल्स, अगर पेटियोल्स के अंदर मॉडिफिकेशन देखें तो फर्स्ट यहाँ पर फाइलोड मॉडिफिकेशन आता है। फाइलोड का मतलब ये होता है कि जो पेटियोल रहता है वो पेटियोल्स कैसा हो जाएगा, लीफ लाइक हो जाएगा, मतलब जैसे पत्ती का जो शेप होता है इस तरह का पेटियोल यहाँ पर हो जाएगा एंड बिकम फ्लेटलेट। ये पेटियोल्स आप देख सकते हैं जो कि लीफ लाइक हो जाता है, इस तरह के पेटियोल को फाइलोड बोला जाता है। हम लोगों ने स्टीम में भी फाइलोड पढ़ा है कि जो स्टीम होता है वो लीफ लाइक अपीयरेंस दिखता है उसका, तो उसको फाइलोक्लेट बोला जाता है। यहाँ पर फाइलोड बोलेंगे लीफ लाइक पेटियोल्स को। दिस लीफ लाइक पेटियोल्स परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ द वाटर, पानी के नुकसान को रोकने के लिए पत्तियों की जगह कौन ले लेता है, पेट्रोल ले लेता है। अब ये जो पेट्रोल होता है ज्यादातर जेरोफाइटिक प्लांट, मतलब जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। एकेसिया इसके एग्जांपल में लिखेंगे, एकेसिया यानी बबूल का पेड़ जो होता है उसके अंदर इस तरह का फाइलो टाइप का पेट्रोल्स पाया जाता है। अगला यहाँ पर जो दूसरा टाइप है पेट्रोल्स के मॉडिफिकेशन में, उसको कहेंगे विंग पेट्रोल्स। अब विंग पेट्रोल्स में क्या होता है, जो पेट्रोल्स रहेगा, दिस पेट्रोल बिकम कंप्रेस्ड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये पेटियोल्स क्या क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, सिकुड़ जाता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगता है। एक कंपाउंड मींस इट हैविंग कंपाउंड लीव्स, इनमें कंपाउंड लीव्स होती है, मतलब जो लीव्स रहता है वो पेटियोल्स के साथ जुड़ जाती है। इनके अंदर यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जैसे ये वेंस वेनेशन किसमें, लीव्स में, तो इनके अंदर भी यहाँ पर वेनेशन देखने को मिल जाएगा। साइट्रस प्लांट जो होते हैं, ऑरेंज लेमन वगैरह, उन सभी के अंदर इस तरह का पेटियोल पाया जाता है, विंग पेटियोल पाया जाता है।